लेते हैं स्विफ्ट के, पहले साइट प्रोफाइल देख लेते हैं। ये ओनली वन इन इंडिया है, आपको क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होने में बताऊंगा। पहले साइट प्रोफाइल देखिए, कितना प्यारा लुक आ रहा है। अब एक एक डिटेल को समझ लेते हैं। ये देखिए, ये ABS स्पॉइलर है, ये कस्टम मेड सिर्फ स्विफ्ट के लिए है, जो स्विफ्ट पे ही प्रॉपर स्नग फिटिंग के साथ आता है। अगर मैं इसमें दिखाऊं तो आपको, ये एग्जॉस्ट है, ये बम्पर पूरा फाइबर मेड है, कस्टमाइज बम्पर है आफ्टर रीपेंट कराया हुआ। तो अगर आप भी बम्पर वगैरह कराना चाहते हैं तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अच्छी फिनिश के साथ इसमें पेंट का जॉब बहुत अच्छा कराएं। क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर इसको, आपको ये देखिए फाइबर तो बन जाता है, लेकिन इसमें मेन जो चीज़ें हैं वो फाइबर का जो जॉब वर्क है, मतलब पेंट वर्क है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जॉस्ट का। ये एग्जॉस्ट पूरा कस्टम मेड है। इसका अगर आपको साउंड सुनना है तो हमने एक छोटे से शॉर्ट्स में डाला हुआ है, आप शॉर्ट्स पे देखिए, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साइड में अगर हम बात करें, ये देखिए, ये वर्सेस के ओरिजिनल एलॉयज हैं, गोल्डन फ्रेम में आते हैं, बट बाद में इन्होंने, कस्टमर ने इसको जो है ब्लैक पेंट कराया हुआ है। ये टायर स्टिकर्स जो हैं इंस्टॉल किया हुआ है। देखो कितना अच्छा लुक आ रहा है, कितना प्यारा लुक आ रहा है। ये साइड की बॉडी किट अगर आप देखेंगे तो वो भी पूरा फाइबर से बनी हुई है। सामने से अगर मैं आपको दिखाऊं तो हेडलाइट्स स्टॉक हैं, बहुत नॉमिनल है, बट ये ग्रिल वगैरह थोड़ा चेंज है। बट मेन जो है, देखो बम्पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बट थोड़ा सा फिनिश में इसमें बड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ फोग लैम्प मिसिंग है तो वो डल जाएंगे तो और अच्छा लुक निकल के आएगा। हो सकता है इन्होंने थोड़ा सा अपनी उसकी वजह से, कई बहुत लोगों को फोग लैम्प नहीं पसंद है तो वो निकाल देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देखिए सामने से प्रोफाइल दिखा देता हूँ। ये इन कस्टमर ने अपना DIBL कस्टम एंड डिटेलर्स पे खुद से ये चीज़ें की हुई हैं, तो आप भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर मैं मिरर की बात करूँ, मिरर देखिए फाइबर से पूरा, ये BMW वाला लुक इसमें दिया हुआ है सामने से। बट मेन है इसमें पेंट फिनिश का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अंदर से दिखाता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ तो आपको अंदर देखने को मिलेगी। ये देखिए इसमें स्टेयरिंग है, ये मोमो का स्टेयरिंग है, कस्टमाइज्ड है। सिर्फ मैं उन्हीं लोगों को रिकमेंड करूँगा क्योंकि आप ये सब आफ्टर मार्केट सेटिंग में, एक बहुत ड्रॉबैक है वो ये है कि आपका जो है इसमें सेफ्टी चला जाता है, ABS चला जाता है। तो अगर आप मोटर स्पोर्ट्स के लिए गाड़ी बना रहे हैं तो ही स्टेयरिंग चेंज कराएं, अगर रेगुलर यूज़ के लिए रखते हैं तो स्टेयरिंग चेंज मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको अंदर से। ये देखिए इसमें जो है, यहाँ पर इन्होंने, ये देखिए इधर, पहले यहाँ से मिस करके यहाँ पर इंजन स्टार्ट डाला हुआ है, तो ये चीज़ आपको बड़ी इसमें देखने को मिलेगी। इसमें एक दो चीज़ें और आपको नोटिस कराता हूँ, ठीक है, यहाँ से होती है। ये देखिए ये नॉब है इसमें। अब इससे क्या होगा, इस बटन से ये जेट तो बनेगा नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लुक आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ये पूरा इन्होंने जो है यहाँ पर अपने जो है मीटर्स लगाए, ये हर एक मीटर इसमें वर्किंग है, अलग अलग पैरामीटर्स डिफाइन करता है, कोई उसका प्रेशर कितना है ऑयल का, उसमें कितना आपका जो है टर्बो क्या है, पावर कितना जनरेट करना है, इंजन का RPM क्या है, बैटरी का वोल्टेज क्या है। आप ध्यान से देखिए इसमें बैटरी का वोल्टेज तक भी दिखा रहा है, 12 वोल्ट के थोड़ा सा कम है। तो ये सब चीज़ें, ऑयल का टेम्परेचर आप देखिए वहाँ पर, तो ये सब मोटर स्पोर्ट्स वाले लोग करते हैं, उनको हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मुझे इस वीडियो में, इस कार में जो है ना, बड़ा अच्छा लगा, तो ये आप करा सकते हो। तो यहाँ से ऑन ऑफ होता है, इवन इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन भी यहाँ पर दिया हुआ है। आपको अगर ऐसी कोई यूनिक कार्स की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं जो लोग आपके फ्रेंड्स अगर कस्टम मोड्स वगैरह में थोड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो चलो, स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे, गुड लक।